क्या हुआ तुझे? घर बैठ के बोर हो चुकी थी इसलिए थोड़ी देर के लिए छत पे गई थी, तो पसीने से क्या हाल हुआ है दी? समर है, ऐसा तो होगा ही। पता है इस टाइम मैं किसी पार्टी में भी नहीं जा पाती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मेकअप निकल जाता है पूरा। तू कैसे मेकअप करती है? तुझे समर स्टाइल मेकअप देखना है? हाँ। फिर देख। तो सबसे पहले फेस वॉश करके टोनर से स्किन को क्लीन कर लूंगी। यहाँ पे आप कोई भी टोनर ले सकते हो, हम खादी टोनर यूज कर रहे हैं। अब लगाना है सीरम। मैंने विटामिन सी सीरम लिया है। सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर ऑयली स्किन है तो समर के लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ही यूज करना। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद स्किन को सेट होने देना है। फेस को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ लिप्स पे भी लिप बाम लगा लेना। अब हम फेस को हाथ नहीं लगाएंगे, सीधा चले जाएंगे आईब्रोज पर। तो मैं ब्राउन शेड को लेकर छोटे छोटे स्ट्रोक पे आईब्रोज बनाऊंगी। ब्राउन कलर से आईब्रोज एकदम नेचुरल दिखते हैं, इसीलिए ब्लैक की जगह ब्राउन ही यूज करो। अब मैं आईब्रोज को क्लीन अप करूंगी कंसीलर से। मैंने यहाँ पे एले गर्ल प्रो कंसीलर लिया है। ऊपर और नीचे दोनों साइड ही कंसील करना है। बाद में मैंने थोड़ा सा लाइटर शेड यूज किया है। इसी तरह आईलिड्स को भी कंसील कर लूंगी और ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं इसके ऊपर लूज पाउडर लगा रही हूँ ताकि ये क्रीज ना हो जाए। अब आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं दोनों आईज की कॉर्नर्स पे स्टिकी टेप लगा रही हूँ। आई मेकअप के लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो सबसे पहले मैं पिंक कलर को एज ए ट्रांजिशन शेड यूज कर रही हूँ। इसे अच्छे से ब्लेंड करना है बहुत ही हल्के हाथों से। अब ये वाला पर्पल कलर ले रही हूँ आउटर वी के लिए। याद रखना, आउटर वी के लिए आपको कलर ब्लेंड नहीं प्रेस करना है। फिर धीरे धीरे ब्लेंडिंग स्ट्रोक से क्रीज लाइन को भी हल्का पर्पल करूंगी। अब मैं कट क्रीज के लिए क्रीज लाइन पे कंसीलर लगा रही हूँ। आज मैं हाफ कट क्रीज बनाऊंगी। अब आईलिड पे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे मिसलर वाटर से क्लीन कर लूंगी। उसके बाद हाफ आईलिड को कंसीलर से पूरा कवर करूंगी। अब मैं इस पीची टाइप ऑरेंज कलर को सेंटर ऑफ द लिड लगा लूंगी। अब मैं एक ब्रश में सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ। फिर इस सिल्वर टाइप शिमर को इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी। सेटिंग स्प्रे यूज करने से शिमर शेड आसानी से लग जाएगा। लास्ट में मैं लिक्विड ग्लिटर लगाऊंगी क्रीज लाइन पे। इससे आई लुक बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। अब वाटरप्रूफ आईलाइनर लगा लूंगी। समर है ना, इसीलिए वाटरप्रूफ ही लगाना। अब हम फेस मेकअप स्टार्ट करेंगे प्राइमर लगा के। समर में मेकअप टिका के रखना है ना, तो प्राइमर जरूर लगाना। अब आप सोच रहे हैं आई मेकअप तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पर लोअर आई मेकअप हम अभी नहीं करेंगे और करना भी मत। प्राइमर के बाद कलर करेक्टर। ये जो डार्क सर्कल्स और फेस पे दाग धब्बे हैं, इसे तो गायब करना पड़ेगा ना। फिर कलर करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड करना है। अब मैं कलर करेक्टर को लूज पाउडर से सेट कर रही हूँ ताकि ये फाउंडेशन के साथ मिक्स ना हो जाए। अब फाउंडेशन की बारी। ड्यूवी लुक के लिए एलेगर इल्यूमिनेटर को फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अप्लाई करूंगी और पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। फाउंडेशन के बाद कंसीलर लेकर डार्क सर्कल के नीचे ब्लेंड करूंगी। उसके बाद फेस के हाइलाइटेड एरिया को कंसील करूंगी थोड़ा सा लाइटर शेड लेकर। फोरहेड पे, नोज पे, अब अंडर आईज पे लूज पाउडर अप्लाई करूंगी क्रीजिंग अवॉइड करने के लिए और फुल फेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करूंगी। क्योंकि समर है, अच्छे से पाउडर से फेस को सेट कर लेना। अब मैं बेकिंग कर रही हूँ और लोअर आई मेकअप को कंप्लीट कर लूंगी। पहले तो लोअर वाटर लाइन पे काजल लगाऊंगी, फिर स्मोक आउट कर लूंगी।
अब ब्लू आई शेडो अप्लाई करूंगी और स्मोक आउट करूंगी। अब मैं आईलैश को अपलिफ्ट कर रही हूँ और मस्कारा लगा रही हूँ। वाटरप्रूफ मस्कारा ही यूज करना और लास्ट में फॉल्सी लगाऊंगी। अब जो पहले मैंने बेकिंग किया था उसे रिमूव कर रही हूँ। अब फेस की शेप को ठीक करने के लिए कंटूरिंग कर रही हूँ, चिक्स पे, डबल चिन एरिया पे, फोरहेड पे और नोज पे। अब ब्लश की बारी, गालों को गुलाबी दिखाने के लिए लास्ट में हाईलाइट करूंगी। अब लिपस्टिक में यहाँ पे लाइट पिंक कलर लगा रही हूँ, समर है इसलिए मैट ही यूज कर रही हूँ। फाइनली सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। समर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने के लिए मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे बहुत जरूरी है। बस मेकअप कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, आज का ये समर स्पेशल मेकअप वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ, और नेक्स्ट आपको कैसा मेकअप देखना है वो भी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।